थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। कब और कैसे शुरुआत हुई? मम्मी पापा की शादी हुई और सुहाग ये क्या लगा है? क्यूटनेस। चुप रहना, मुझे ओपनिंग तो करने दे। कहाँ से आते हैं ये लोग? मेरी वॉइस के बारे में भी यही मुझे बताएगी अम्मा कहेंगी। झाला तुमसे, अबे ब्लो आ रहा होगा, थूक भी आई है तेरे गले पे। इट्स ओके जी। आपके पास ही पीवीआर के साइड में जो कंप्यूटर है उस पे यूट्यूब होगा, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तुम चुप रहो यार, तुम कितनी आवाजें करती हो। पापा जी आपके चरण कहाँ हैं? आपको कैसा लग रहा है मेरा इंटरव्यू लेके? मैं फेंकने वाली हूँ, पर कोई कैच कर लेना ताकि बुरा ना लगे मुझे। कौन रेडी है? वेरी नाइस। आधे सारे टाइम तो सैंपल देती रहती हूँ, बस अभी यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल नहीं मारा है, मांगा है इन इंडस्ट्री वालों ने। पीका 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 पीका। झाला तुमसे, मैं इमोशंस भौंप लेती हूँ काले दिन। ये मुझे कुछ नहीं करने दे रही। क्या तेरा क्या मेरा, एक बार कमाना शुरू कर तेरा चैनल मेरा। कहाँ से कहाँ ले जा रही है लड़की। क्या मैं ये वाली वीडियो डाल सकती हूँ अपने चैनल पर? डेफिनेटली ये बेटर। ओह थैंक गुरु। झाला तुमसे, मैंने कैसा काम किया? वाओ क्या आइडिया दिया हमारे प्रोडक्शन वाले। ओए होए, अब हम देहाती हो गए हैं। SJKB शर्मा जी की बेटी। वेरी नाइस, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दे, मेरा प्लेन छूट जाएगा। यार एक सेकंड ना, ये तो मेरे से छुड़ा लिया। ये अपर रोरल झालो फाइनली तुमसे की नहीं बोलना यार। अच्छा सॉरी, झालो तुमसे। हे भगवान मार दे मुझे झाला तुमसे, मैं सोऊंगी तो मेरे दिमाग में झाला तुमसे भूत भूत बन जाएगा। झाला तुमसे। ओके गाइस, हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम द मोटर माउथ सोनल कौशल और मेरे साथ है ये प्यारा सा बच्चा। आई एम गीजर। गीजर? या अरे यार मोटर, पानी की मोटर नहीं है, मोटर मतलब जो चलता रहता है ना मोटर की तरह, माउथ। गाइज मुझे पता है कि आप लोग इसको जानते हो ऑलरेडी, तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, वो एक दो जो लोग बैठे हैं वहाँ, एक दो करोड़ जो वहाँ बैठे हैं साइड में, एक दो लोग जो बैठे हैं ना, आप बचपन से शिनचैन देखते हुए बड़े हुए हो ना। मैं बड़े होके किया मैंने शिनचैन, लेकिन यही है वो जो आपके बच्चों को बिगाड़ रही है। शिनचैन की आवाज है ये, हाउ डू यू डू दैट? कुछ ऐसे ही करोगी तो होगा, करने से होता है, क्या होता है वो। कब और कैसे शुरुआत हुई? आई स्टार्टेड विद रेडियो जस्ट लाइक यू, बट मैं रेडियो में आरजे थी। वाओ, पीछे की आवाज नहीं। कितने साल की थी तब? I was 20 years old, so there was this Radio Mirchi RJ Hunt. वो उसको I won and then मुझे बकायदा एक contract मिला था, पहले कागजात जो मेरे हाथ में आए थे। So, और तुमने हस्ताक्षर किए थे। Oh my God. So that's how it started and then वहाँ से I don't know, मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में थी, आई हैड टू कम्प्लीट ग्रेजुएशन की, पापा के पैसे लगे हैं। तो फिर मुझे वॉइस ओवर इंडस्ट्री का, तब वहाँ से नहीं होता कि रेडियो में ना वहीं पे ही बोलते थे कि ठीक है आवाज़ करो ये वो। हाँ। तो वॉइस एक्टिंग थोड़ी वहाँ से स्टार्ट की। डोरेमोन जो फिल्म थी, हाँ। एक फिल्म थी बहुत पहले, डब हो रही थी, तो उसमें एक एक्स्ट्रास का कैरेक्टर किया था मैंने, एक बच्ची थी। एंड वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सैट बिहाइंड द माइक डबिंग प्रोफेशनली फॉर समथिंग। मैं डोरेमोन के साथ बैठी होंगी और मैं तेरा इंटरव्यू ले रही हूँ। वो स्पेशली, ये तो कुछ ज्यादा ही अचीवमेंट है। यस, तुम्हारे बाद मैं सीधा करण जौहर को चांस दूंगी। नो नो नो। तो तब कितने साल की थी डबिंग जब फर्स्ट टाइम की? तो आई थिंक 21 20
मैं तो रो पड़ी थी. मुझे ना एक ही टाइम पे ना बोल दिया था कि सामने वाले की भी आवाज दो आवाजें करनी है. जैसे कि मैं तुमसे बोल रहा था. अच्छा ठीक है. तो मुझे एकदम से बोलना था. हाँ. मुझसे हो नहीं रहा था. मैं तो तब मुझे लगता है अपनी आवाज के लिए भी रेडी नहीं थी. वो आवाज चेंज करने के लिए बोलोगे तो पता नहीं क्या होगा मुझसे. हाँ. तो बकायदा स्टार्टेड क्राइंग. एंड जो थे थोड़ी स्ट्रिक्ट थे जो डबिंग के लिए थे. लाइक बाहर जाके हवा खा कर आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर आल्सो अ स्टैंड अप कॉमेडियन. हाउ डू यू मैनेज दैट? कैसे मैनेज करती हो इतना टैलेंट? देखो एक्चुअली ना मैं बहुत कुछ करती हूँ ऐसा मुझे लगता है. मैं मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ. आई थिंक आई नीड टू हैव अ बॉडी डबल फॉर माय टैलेंट कि मैं थोड़े टैलेंट इधर उधर रख सकूँ. मैं वॉइस एक्टिंग करती हूँ. मैं एंकरिंग करती हूँ, स्टेज एंकरिंग. एंड या आई एम अमेजिंग एट दैट. या एंड जो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी, अच्छे बजट, आई डोंट माइंड मुंडन. अब जब रणवीर सिंह और अक्षय कुमार कर सकते तो व्हाई नॉट मी. वॉइस एक्टिंग, एंकरिंग, स्टैंड अप कॉमेडी. आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल, मच सक्सेसफुल देन हर्स. इसने अभी शुरू किया है थोड़ा. तो ये करती हूँ. और स्टैंड अप कॉमेडी अभी शुरू की है. एंड यू नो आई हैव बिकम अ राइटर आल्सो. आई हैव रिटन अ रैप. आई फील सो अमेजिंग राइट नाउ. Your next question is, इतनी सारी आवाजें कैसे कर लेते हो? मिमिक्री भी कर लेते हो? इमिटेशन. हाँ. है ना? और मतलब मेरा पूरा जो चैनल है वो उस पे ही बेस्ड है. बॉलीवुड वॉइसेस भी मिमिक करते हो? देख ज्यादा वॉइसेस तो नहीं होता. वही है कि एक चीज आती है, मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेशन आता है. हाँ. तो फिर ट्राई करते हैं इंसान की कुछ नया नया कर सके. लाइक यू नो वही के मतलब यू ऑल्सो मॉड्यूलेट सो मेनी वॉइसेस की मतलब पीका पीका चुकी मुझे अभी तक नहीं आई. पिकाचू. ये तो बिल्कुल नहीं है. इसका पिकाचू देखे कौन नंबर खींच सकता है. कम ऑन लेट्स डू इट. कम ऑन. 1 2 3 मतलब ये मैं इंटरव्यू ले रही हूँ. ओके सो लेट्स डू. 1 2 3 पिका पिका. मुझे हंसी आ गई. मैं कर सकती हूँ. लंबा डिस्ट्रैक्टेड माइंड. तुम बोचान की आवाज भी करती हो? हाँ बोचान. इट्स लाइक ये नहीं होता एक के साथ एक मुफ्त देना होता है. हाँ, या ऐसा. हाँ, कुछ रहता है. तो शिनचान के साथ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री. ऐसा बहुत बार होता है गाइस कि हम लोग कोई कैरेक्टर डब कर रहे होते हैं और कोई और कैरेक्टर आ जाता है बीच में जो सिर्फ एक लाइन बोल के जाता है या दो लाइन बोल के जाते हैं. तो हाँ सो बोचान. हाँ, करती हो या कैसे? बोचान की आवाज तो इतनी यार मतलब कितना आलसी सा लड़का है. अजय पंगा तभी होता है जब उसके 2-3 लिप होते हैं और डायलॉग लंबा होता है. It's like, मुझे पानी पर तैरना पसंद है. अब लिप अगर कम है. हाँ, और इसी मॉड्यूल मुझे पानी पर तैरना पसंद है. बट एनिमेशन के अलावा भी यू हैव डन अ लॉट ऑफ वॉइसिंग राइट? मतलब रेडियो के लिए प्रोमोज एंड ऑल. हाँ यार मेरा पता है. एक्चुअली सबसे पहला वॉइस ओवर मैंने एक बच्चे का दिया था फॉर अ रेडियो एड. कैसे किया था? आई स्टिल रिमेम्बर. आई रिमेम्बर दिस टाइम बिकॉज़ इट वाज अ वेरी वियर्ड पोएम. चिड़िया कहती कुट 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 दे दो मुझको दो बिस्कुट. बिस्किट होता है यार. नहीं बट मेरा बच्चा अनपढ़ था. अभी तक स्कूल में नहीं गया था यार. या फिर उसने इशक ज्यादा देखी थी भाई. यार दो बिस्कुट और चाय था पर बिस्कुट. नाइस यार. और क्या किया? मैंने सुबह सुबह गर्म पानी पिया था तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो गई. एंड आई फील सो रिलैक्स. ओ एक सेकेंड. यू आर ऑल्सो द वॉइस ऑफ नोबिता. हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? मतलब गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस डोरेमोन एंड नोबिता टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम. आई नो. हेलो दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारा प्यारा प्यारा दोस्त नोबिता. डोरेमोन डोरेमोन मुझे गैजेट देना. मैं शिज़ुका को दिखाऊंगा. अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो फिर जियान मुझे बहुत मारेगा और सुनियो भी मेरी बहुत पिटाई करेगा. ये भी रटा हुआ डायलॉग है. बहुत अच्छा लगा मुझे. नहीं नोबिता, मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा. अगर तुम्हें मुसीबत का सामना नहीं करना आता तो ये तुम्हारी गलती है. डोरेमोन डोरेमोन प्लीज.
अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं शिज़ुका को कोई तोहफा कैसे दूंगा डोरेमोन? नोबिता, मैंने आज तक तुम्हारी कितनी मदद की है, तुमने आज तक मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, एक डोरा केक भी लाकर नहीं दिया, और शिज़ुका के लिए तुम्हें तोहफे लाने हैं। इसका नोबिता खो जाता है यार बीच बीच में। अब जो होने वाला है वो है टंग ट्विस्टर्स, क्योंकि ये रीटेक ले रही, मेरे को पता था टंग ट्विस्टर है। एंड यू रूल्स तो मैंने बताए नहीं। शिनचान की आवाज में बोलना है, ठीक है? ओके, तीन बार, ठीक है, बिना रुके। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में नहीं होता, पीतल के पतीले में होता है। शिनचान की बेइज्जती करा रही हो तुम? नहीं, ये वही करता है ना। क्या कुछ बड़गड़ हो गई? सो क्यूट। बबल्स की वॉइस करती हूँ मैं, जो कुछ ऐसी होती है। कैसी? आज टाउनसविल पर मुसीबत आने वाली है, हमें कुछ करना होगा। आज टाउनसविल पर मुसीबत आने वाली है, हमें कुछ करना होगा। राइट, सो इस आवाज में यू हैव टू से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खरोस कहेंगी खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। हमको मेरा ना मन में चल रहा है, हमको आज कल है, ये कहाँ से आ गया? आई डोंट नो, आई जस्ट लव माधुरी। अगला टंग ट्विस्टर नोबिता की आवाज में, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नोबिता की आवाज में तीन बार। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आई नो। सो सी, सब लोगों को पता है कि यू द वॉइस ऑफ शिनचैन, नोबिता इतनी सारी वॉइसेस करती है, आरजे, एंकरिंग, कॉमेडी, और क्या क्या इंटरेस्टिंग करती है। इसके अलावा तो खैर ऐसा मैंने अभी क्योंकि गली बॉय का सारा सीन चल रहा था तो मैंने रैप लिखा था, तो मैं थोड़ा राइटिंग में नो, मेरे जो हाथ है ना कोहिनूर ही ग्रेट्स, हम एक एक हमने खोया था, हमारे पास 10 है, इससे लिख पाती तो अलग बात होती, पर इक्वली स्पेशल। पर मैंने डबिंग वर्क में कुछ अलग अलग चीजें करी है विच आई फील की थोड़े माइलस्टोन टाइप है, जैसे सो मानुषी छिल्लर का 2011 का जो हिंदी में डब हुआ था, सो आई वॉज द वॉइस ऑफ मानुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड, सो इट वॉज वॉइस ऑफ मिस वर्ल्ड आपके सामने पे, लेकिन लेकिन इट वॉज लाइक अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो मतलब उसके लिए बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इट्स सो लाइक यू गेट टू बी द वॉइस ऑफ द मिस वर्ल्ड, बिहाइंड द कैमरा रहने वाली ही मिस वर्ल्ड हूँ मैं। मैंने एक टाइम था WWE हिंदी में डब हो रहा था दिल्ली में, सो महाखलियों का महामुकाबला, उसमें मैंने कि मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ है जॉन सीना, इज लाइक एंड तो मतलब दैट वाज फन टू डू। मैंने और क्या क्या किया है एज अ डबिंग पर्सन, कभी कभार हमें मौका मिलता है हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों की वॉइस निकाल सकें, सो दैट इज वन ऑफ देम, वही मानुषी छिल्लर हो गया, इवन आई गॉट अ चांस टू डू मैरी कॉम। ऐसा कभी हुआ है कि सड़क पे चलते हुए ऐसे लोगों ने बोला अरे ये तो आकांक्षा है, अरे ये तो वॉइस आर्टिस्ट है, अरे ये उसकी वॉइस करती है, इसकी वॉइस करती है, शिनचैन है, ये शिनचैन है? एग्जैक्टली मैं सड़क पे ज्यादा चलती नहीं हूँ, आई ट्रैवल इन माई कार एंड नहीं यार एक बार पहचाना था एंड कभी मेट्रो में पहचान लेते हैं, कभी हो जाता है, दे आर मोर ओवर इन डाउट, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज में नहा धो के बैठती हूँ और जब मैं यूजुअली निकलती हूँ तो थोड़ी ऐसी थी आई आकांक्षा शर्मा, मैं कितनी खुश होती हूँ, मतलब ये करोड़पति होने के बावजूद मेट्रो से ट्रैवल करके कैसे कैसे कर लेती हूँ, कर लेती हूँ, इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतना नाम होने के बावजूद इतनी डाउन टू अर्थ लड़की। या ये जिसके बारे में अभी तुमने बात की पैसा शोहरत और वो प्लीज मुझे बताना मैं कहाँ रखा है, क्योंकि स्पेशली रख के भूल चुकी हूँ मैं डेफिनेटली। एज यू ऑल नो मेरा भी यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ आकांक्षा शर्मा एंड सोनल कौशल का यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ मोटर माउथ, तो आकांक्षा शर्मा और मोटर माउथ को बहुत सारा प्यार दे, शुभकामनाएं दे और
we like likes, we like comments, and we to love share, yaar. और subscribe करो यार, मतलब I really like your channel because through your channel मुझे भी दूसरे voice artists के बारे में जानने को मिलता है and it's very interesting and genuinely ये खजाना है of knowledge. मेरे पास और time होता तो मैं इनसे और बातें करके जाती हूँ. I got to learn a lot from you. I love you too. Okay then. प्यार बांटना चाहिए ना, उसी की तरह ये video भी बांटो, share करो, share it. Yes, share it, like it, subscribe it, comment on it और please बताना कि मैं कितनी amazing लग रही हूँ, काली दिल वाली. चलो.